पॉपुलेशन एक ऐसा लफ्ज है जिससे आप पहले से वाकिफ है। आई एम श्योर कि आप पॉपुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। ऐसे ही है कि नहीं? आर यू एबल टू डिफाइन पॉपुलेशन और नॉट? जी यस सर कर सकते हैं जी डिफाइन। अमरीत ने कहा जी। और कोई स्टूडेंट जो? जी यस सर यस सर दो हो गए जी। और जी सर, दो स्टूडेंट ने अभी कहा है जो पूरी क्लास में से कि वो ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, बाकी क्लास चुप करके बैठी हुई है। व्हाट इज द प्रोग्राम जी ऑफ सर क्लास? तीन हो गए जी। थ्री स्टूडेंट्स डिफाइनर हैं जी, बाकी नॉन डिफाइनर्स। व्हाट अबाउट नॉन डिफाइनर्स? नहीं नहीं सर क्यों ऐसी बात क्यों है हाजिर। मेरे चार हो गए, जी चार हो गए। जी सर उसे तो पहले कैच किया ना, मैं तो पहले भी कह दिया था, मैं तो दो बार कह दिया। चले आप चुके दो बार कह जैसे आप ही डिफाइन करें व्हाट इज पॉपुलेशन। यस सर फाइन, और कोई जो डिफाइन करना चाहता हो जी ऑपरेशन को? जी दोबारा। सर पॉपुलेशन इज एन पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस विद इन द सेम टाइम। ये डेफिनेशन एफएससी की हद तक तो बिल्कुल ठीक है, आपने एफएससी में डेफिनेशन जो पढ़ी थी वो यही थी, लेकिन अब आप एफ एस सी में नहीं पढ़ रहे हैं, अब आप बी एस में पढ़ रहे हैं। बताइए कि विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अमंग देमसेल्व्स। सनिया उसमें एक शर्त ऐड की, ये शर्त भी आपने पढ़ी है, ये आपने सेकंड में, क्योंकि जो सवा ने डेफिनेशन बोली है वो जो डेफिनेशन सवा ने बोली विच थी। कंट्रीब्यूट यूनिक करैक्टर लाइक मोर्टैलिटी नेटैलिटी पॉपुलेशन कर रही है वो सर। जो बेरफ मंट था जी कि सवा ने डेफिनेशन बोली है फर्स्ट ईयर लेवल की, सनिया ने उसको इम्प्रूव किया और उसको ले गई है सेकंड ईयर लेवल में, क्योंकि सेकंड की डेफिनेशन थी आपकी इंटर लेवल के ऊपर वो कंप्लीट डेफिनेशन थी। और रूटीन में पॉपुलेशन जो फर्स्ट ईयर पे थी गौर हो जाता है, लेकिन जब जेनेटिक्स या एवोल्यूशन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हो तो फिर वो कंप्लीट डेफिनेशन होनी चाहिए जो सेकेंडरी की बुक में मौजूद थी, और सनिया ने वो पॉइंट इंडिकेट कर दिए हैं। लेकिन एक जो है बड़ा स्पेसिफिक एजुकेटिव पॉइंट है, जो अक्सर बेशक डेफिनेशन आप पढ़ेंगे बहुत सी जगहों पे, खा वो इकोलॉजी चल रही हो, खा जेनेटिक्स चल रही हो, वो एनिमल्स पे ज़्यादा एप्लीकेबल होती हैं, प्लांट्स पे बस का आपको फुल फ्लेज वैसे अप्लाई नहीं करते। इवन जब हम एक स्पीशीज को डिफाइन करते हैं, आपने स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़ी हुई है बहुत बार बहुत सी जगहों पर, जरा गौर कीजिए कि क्या वो प्लांट के ऊपर 100% अप्लाई होती है या नहीं, ये आपने सोच के ही जवाब देते हैं, सोचना भी आपने और जवाब भी आपने दे। सर दोबारा दोबारा बता दें जी, जो मेरा स्टेटमेंट है मेरे स्टेटमेंट पे गौर करना पड़ेगा आपको। मेरा स्टेटमेंट इस रेफरेंस से है कि अक्सर बेहतर जगहों पर जेनेटिक्स में या इकोलॉजी में या और जगहों पर जो डेफिनेशंस आपको मिलती हैं वो ऑब्जर्वेशन केसेस में ऐसी होती हैं कि लगता यह है कि वो सिर्फ एनिमल्स के लिए हैं, प्लांट के लिए नहीं। क्या आप ये महसूस करते हैं कि नहीं करते? क्या जी सर बिल्कुल एग्री करते हैं इस बात से, ज्यादातर एनिमल्स पे एप्लीकेबल लगती हैं ये, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप गौर करें तो जो स्पीशीज की डेफिनेशन है उसमें भी यही वाली वर्डिंग है, व्हिच इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वहाँ भी इंटरब्रीड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे पॉपुलेशन की डेफिनेशन के अंदर भी इंटरब्रीड का लफ्ज़ मौजूद है। अब दोबारा गौर कीजिए कि मेजॉरिटी प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं, मेजॉरिटी प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल हर्मोफ्रोडाइट, एक ही पौधे में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मौजूद हैं। उसमें तो सेल्फ पोलिनेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन सब कुछ एक ही पौधे के अंदर हो रहा है, वो तो आपस में ब्रीडिंग नहीं है जैसे कि
एनिमल्स में होती है उसका सिर्फ नहीं हो रहा. तो ये मैंने जस्ट ये पॉइंट आउट करना था कि अगर हम डीप डिटेल में चले जाते हैं तो बड़ी वाजह तौर पर ये चीज़ आप प्रूव कर सकते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशनल डेफिनेशन जो हम स्टडी करते होते हैं पढ़ते होते हैं वो एनिमल के ज़्यादा करीब करीब हैं और प्लांट पे वो इतनी 100% अप्लाई नहीं हो सकती जैसा कि हम उनको एनिमल्स में क्या करें. बहरहाल ये काफ़ी नीति ड्रॉबैक है और रीज़न उसकी वजूहत हैं और वो वजूहत वो हैं जिनका ताल्लुक हमारे पौधों जानवरों की लाइफ स्टाइल से और बहुत से और चीज़ों के साथ है जिसकी वजह से ये खामी हमें महसूस होती है या नजर आती है. वगैरह ये एक साइड क्वेश्चन आ गया था. अभी हमने इसको लेके चल रहे हैं टॉपिक को और ज़ाहिर है कि उस लिहाज से लेके चल रहे हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर सिलेबस ने जिससे इंडक्शन टू पॉपुलेशन इकोलॉजी दिया है. पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपके सामने डिस्कस हो गई है. हमारी कोशिश होगी कि हम इसको सिर्फ एनिमल्स की हद तक रखते हुए प्लांट की हद तक रखते हुए इसको लेके आगे चलें क्योंकि हमने पहले पॉपुलेशन को स्टडी करना है फिर हमने कम्युनिटी को स्टडी करना है और फिर उसके बाद बारी आएगी जो हमारा अगला टॉपिक होगा इकोसिस्टम. ये तीन चैप्टर्स हैं तीन सेपरेट चैप्टर हैं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर शामिल हैं स्टेप बाई स्टेप इकोलॉजी के हवाले से. जी डेफिनेशन चूँकि दो बच्चों ने मिलकर डिफाइन कर दिया. अब इसमें बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बहुत सारे पॉपुलेशन के हवाले से इसकी स्टडी के हवाले से इमिशन के हवाले से बहुत से पॉइंट्स हैं बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे हमें हम सबको दोहरे सामने रखना होगा देखना होगा. रीज़न ये है कि पेपर सेटर जहाँ से चाहे सवाल पूछ लेता है आप इस बात से वाकिफ हैं. पेपर सेटर के बारे में वो जो मुहावरा है कि शेर जंगल का बादशाह होता है चाहे अंडे दे चाहे बच्चे दे पेपर सेटर भी ऐसा ही करते हैं. जी अब सिंपल डेफिनेशन के बाद हम चले लगे हैं जी आगे. पॉपुलेशन के बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें से चंद एक मिसाल के तौर पर मैं पॉपुलेशन इकोलॉजी डेफिनेशन की हो चुकी है जी. डेफिनेशन तो दो बच्चों ने मिलकर डिफाइन कर दिया ठीक है. कैरेक्टर है जी पी फॉर पॉपुलेशन में यूज़ करूँगा पी डॉट का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी. अब आइंदर मैं पॉपुलेशन लिखूँगा सिर्फ कैरेक्टर लिखूँगा. आप डेंसिटी के नाम से वाकिफ हैं पहले से यहाँ ज़ाहिर है पॉपुलेशन डेंसिटी मुराद है. पॉपुलेशन डेंसिटी एक गिवन एरिया में कितने जानदार मौजूद हैं गिवन एग्जाम एरिया नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को किसी एक स्पीशीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो गिवन एरिया मौजूद है डिवाइड करेंगे तो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाएगी. पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बुनियादी बहुत ही बेसिक फैक्टर है. और इफ़ यू रिमेंबर मैंने तारुफ कराया था आप लोगों को जहाँ तक मुझे याद है क्वाड्रेंट मेथड का तारुफ आपको हो चुका आपकी क्लास में कि नहीं हो चुका. क्वाड्रेंट मेथड डिस्कस हुआ कि नहीं हुआ. जी सर हो गया क्वाड्रेंट मेथड जी. और वो मैंने एक वीडियो के बारे में कहा था कि उसको चेक कर लीजिए वो चेक की थी कि नहीं की थी. वीडियो भी शेयर की थी जी. मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ जी क्वेश्चन पूरी क्लास से है कि वो वीडियो आप लोगों ने कितने लोगों ने देखी हुई है जरा हैंड रेज करके देखिए. आप लोग हैंड रेज करें ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग उसको चेक कर चुके हैं. अभी तक तो सिर्फ 5 लोगों ने हाथ खड़ा किया जी. ये 7 हो गए 3 4 5 6 7 हो गए 7 ओनली 8 हो गए 9 ओनली. अब पूरी क्लास में से 8-9 बच्चों ने जस्ट हाथ खड़ा किया है और बाकी सब का मतलब है कि वो सब के सब जस्ट हाजिर होने के लिए आए हुए हैं. दो टेस्ट के टीचर ने क्या कहा है किस मकसद के लिए कहा है. जो स्क्वायर मैंने वहाँ पे दिखाया है क्वाड्रेंट वो 1 square foot का है और अगर आप कहीं फेंकते हैं और वहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स या किसी भी स्पीशीज के जितने भी इसमें निकलेंगे तो वो उस एक क्वाड्रेंट के अंदर उसकी डेंसिटी भी मालूम हो जाएगी. ऐसे अगर आप स्क्वायर मीटर फेंकते हैं क्वाड्रेंट स्क्वायर मीटर वाला तो वो भी बड़ी आराम के साथ बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेशन अगर एरिया नॉन हो बड़े वाला हो और फिर आप उसको एस्टिमेट भी कर सकते हैं तो चंद क्वाड्रेंट फेंक है एस्टिमेशन भी की जा सकती है कि डेंसिटी क्या हो. बहरहाल ये था जी सबसे पहला कैरेक्टर.
अच्छा डेंसिटी अगर हम काउंट कर रहे हो, अगर आप सिर्फ काउंट कर रहे हो कि कितने एनिमल या कितने प्लांट मौजूद हैं, तो वो कहलाती है न्यूमेरिकल डेंसिटी। लेकिन आप चाहें तो उनका बायोमास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर एनिमल हैं तो उनको वेट कर लें, अगर प्लांट हैं तो उनको काटें और उनका फ्रेश वेट या ड्राई वेट लेंगे आप बायोमास पहले से बायोमास डेंसिटी भी उनकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था जी डेंसिटी के हवाले से। या देखिए जब हम थोड़े गाने पे सिर्फ चंद एक क्वाड्रेंट में हैं तो किसी एक स्पीशीज के हवाले से रफ एस्टिमेट होगा वो। या देखिए कि जो एस्टिमेट्स होते हैं वो 100% दुरुस्त नहीं होते, 100% दुरुस्त तब हो सकता है जब आप बहुत बड़े गाने पर स्टडी करें, काफ़ी ज़्यादा स्टडी करें, तब जाकर चीज़ें कन्फर्म होती हैं। बहरहाल याद रखिएगा कि जो डेंसिटी है ये हमारा सबसे पहला कह लीजिए पॉइंट है, जब हम पॉपुलेशन स्टडी कर रहे हैं तो किसी रेफरेंस से आप नंबर के लिहाज से कर रहे हों या वेट के लिहाज से कर रहे हों, ये हमारी सबसे पहली आप कह लीजिए कि प्रोसेस है स्टडी के हवाले से। और हम क्वाड्रेंट मेथड याद रखिए, जो कि मैं क्वाड्रेंट मेथड ऑलरेडी स्टेट कर चुका हूँ और आपको कह चुका हूँ कि एक बार उसको देख लीजिए वीडियो को, ताकि वो आपको पता चल जाए कि ये क्या है क्या। मैं सेकंड अगले हेडिंग की तरफ आ रहा हूँ। ये हेडिंग लफ्ज़ है जी डिस्पर्शन से इसका एडजेक्टिव निकलेगा डिस्पर्सल। मैं कुछ लफ्ज़ बोल रहा हूँ, अगर आप इन लफ्ज़ों से वाकिफ हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे इसकी डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। लफ्ज़ हैं जी रैंडम, एक लफ्ज़ है रैंडम, दूसरा लफ्ज़ है ग्रुप या क्लम्प CLUMP, और तीसरा लफ्ज़ है यूनिफॉर्म। जी सर वाकिफ है, मैंने तीन लफ्ज लिखे। अब अगर आपने ये पढ़ी हुई है तो फिर जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी डायग्राम अगर आप कहें तो मैं जस्ट रफ सी डायग्राम छोटी सी डायग्राम कर देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए या याद रहे कि ये चीज के स्पेक्स होते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बात करने लगा हूँ। ये है जो एक एरिया है, फर्ज कीजिए दिस इज द एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं इसी के अंदर पर ज़्यादा आगे दिखा देता हूँ, सबको दिखा देता हूँ। पहली पॉसिबिलिटी ये मैंने डॉट्स लगा दिए, डॉट्स का ये निशान लगा दिए, ये निशान बेतरतीबी से लगे हुए, आप इसको जी बिल्कुल ठीक है। आप इसको देखें यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म क्लम्प, ये क्लम्प बिल्कुल ठीक होगा जी। आपने सब चीजें जज कर ली हैं। ये मैंने आपको डिस्पर्शन के हवाले से तीन डायग्राम दिखा दिए, चूंकि आप इनसे वाकिफ हैं इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हमारा अगला हेड पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से है। पॉपुलेशन ग्रोथ से किस तक वाकिफ है, ऑपरेशन ग्रोथ से भी वाकिफ है कहीं? यस सर, ये भी पढ़ा हुआ है। जी सर। चलिए ऑपरेशन ग्रोथ में चंद एक बेसिक अल्फाज हैं जी और ऑपरेशन ग्रोथ के आबादी किस रफ्तार से बढ़ रही है, इसमें भी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि आपको आने चाहिए। मैं सिर्फ चूंकि अभी आप लोगों ने कहा है कि ये भी पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ चंद बेसिक लफ्ज लिख रहा हूँ। नेटेलिटी क्या होती है जी? जी ठीक हो गया, लेकिन इसमें साथ टाइम का भी जिक्र करना चाहिए कि इतने टाइम में जॉब ठीक है आपका, लेकिन याद रखिए कि एग्जैक्ट अगर बर्थ रेट की बात हो तो उसमें टाइम फैक्टर लाजमी शामिल होगा। अगर टाइम फैक्टर नहीं किया तो फिर वो बेतरतीब हो जाएगी चीज़ें टाइम फैक्टर के साथ साथ। जैसे नेटेलिटी है बिल्कुल ऐसे ही मॉर्टेलिटी की है, मॉर्टेलिटी ये डेथ रेट है, ये डेथ रेट है। डेथ रेट में भी ऐसे देखना है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, उसमें से कितने जानदारों की डेथ हुई है, कितने टाइम में,
इसमें कोई टाइम फैक्टर जो है वो लाजमी मौजूद होना चाहिए. और याद रखिए कि मैंने जो लफ्ज़ सवाल किया है कि टाइम फैक्टर सामने रखना है. अब चेक कीजिएगा आपके सारे लोगों के पास मुख्तलिफ बुक्स हो सकती हैं. मैं एक फार्मूला बोले देता हूँ, अगर ये फार्मूला आपके पास मौजूद है तो इसका मतलब ठीक है, अगर ये फार्मूला आपके बुक ने नहीं दिया हुआ इसने तो आप किसी और बुक से जो है उसको चेक कर सकते हैं. बहरहाल मैं फार्मूला बोल रहा हूँ. ये चूँकि मेरे पास जो है जी कंप्यूटर पे लैपटॉप पे ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, इसमें ऐसे सिंपल आते हैं जिस जो लिखने की परमिशन नहीं है इसमें, लैपटॉप में फैसिलिटी मौजूद नहीं है. बहरहाल अगर हम डेल्टा की बात कर रहे हैं, डेल्टा एन एन डिवाइड बाय एन डेल्टा टी, इसमें डेल्टा टी जो है वो टाइम के लिहाज से और एन नंबर ऑफ डिजिट्स के लिहाज से पर यूनिट टाइम के लिहाज से. ऐसे ही अगर मॉडलिटी की बात हो रही हो तो मॉडलिटी जो है वो डेल्टा एन डिवाइड बाय डेल्टा टी. इसने दो चीज़ों को, चूँकि इसने इक्वेशन तो दी हुई है लेकिन दोबारा याद रखिएगा कि जब भी आपने ये बताना है इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कि एक आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, दूसरा आपने कितना टाइम लिया है और इस टाइम में कितना इजाफा हुआ है. मैं इसको ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में बयान करना चाह रहा हूँ. ये अब इसको अगर लिखा जाए तो लिखते हैं, लिखा जाए ट्राई कर देता हूँ क्योंकि वो मेरा माउस भी बड़ा तंग करता है लिखते हुए. ये आपके पास फर्ज कीजिए 1000 फ्रॉग हैं टोटल, आपकी जो पॉपुलेशन है इट इज इक्वल टू पी, 1000 पॉपुलेशन की टोटल तादाद है, मैं इसको पी से शो किया. आपके पास टाइम है 1 ईयर, टी टाइम, ये आपके पास है टोटल टाइम जो है वो 1 ईयर का है जिसमें ये सारा कुछ हो रहा है. अब इसमें बर्थ रेट कितना है, बी फॉर बर्थ रेट दे रहा हूँ. अब जो बर्थ रेट कितना है, अब बर्थ रेट ये होगा कि 1000 पहले से बचे थे, बर्थ रेट जो है वो टाइम के लिहाज से क्या होगा कि एक गिवन टाइम जो एक साल है, एक साल में इस पॉपुलेशन में कितने लोगों का दावा, कितने नए बच्चे पैदा हो गए, उस रेफरेंस से ये लिया जाएगा बर्थ रेट लिया जाएगा. बर्थ रेट जो है इंक्रीज, कितनी इंक्रीज हुई है, अब वो इंक्रीज है एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, हम उसको चले मैं जैसे इंक्रीज ही कह रहा हूँ, इंक्रीज कितनी हुई है, जब हम जब टोटल निकालने के रेट तो ये हो जाएगा कि इंक्रीज कितनी हुई है प्लस जो पॉपुलेशन पहले से थी वो कितनी है. फर्ज कीजिए इस गिवन टाइम के अंदर इंक्रीज हुई है 100, सपोज कर रहे हैं 100 का इजाफा हुआ है, ऑलरेडी आपके पास 1000 पहले से मौजूद थे तो अब आपके पास एक साल में जो इजाफा हुआ है, एक्चुअल इजाफा जो हुआ है वो टोटल 1100 हो गए. और ये बढ़ाना है 0 0 0 1 1 0 0, ये हुआ एक हिसाब का मामला. अब जिस टाइम पे इतनी बर्थ हुई है इसी टाइम में कुछ जानदारों की डेथ भी हुई है. डेथ रेट को मॉर्टेलिटी को हम एम से शो करते हैं. अब मॉर्टेलिटी फर्ज कीजिए कि इस पूरे पॉपुलेशन में जो 1000 इंडिविजुअल थे इसमें टोटल मॉर्टेलिटी इस टाइम 1 ईयर के अंदर जो हुई है फर्ज कीजिए वो है जी 40. तो अब ये 40 हो गया पर ये इसके लिहाज से जब हम टोटल इंक्रीज निकालेंगे कि एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है, अब याद रखिए हम एक्चुअल ग्रोथ रेट की तरफ आ रहे हैं. उस एक्चुअल ग्रोथ रेट में दो चीज़ें हैं, आपके पास असल जो तादाद थी वो थी 1000, इसमें जो इजाफा हुआ है वो है प्लस 100 और जो कमी हुई है वो डेथ रेट से वो है -40 और जो अब रिजल्ट निकला आपके पास वो है 1060. अब गौर कीजिए कि इसमें कितने फैक्टर इन्वॉल्व हो गए. मैंने एक्चुअल न्यूमेरिक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से ग्रोथ रेट को निकालते हैं. ये ग्रोथ रेट की कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है चूँकि मेरे ख्याल के मुताबिक आपकी बुक्स में किसी नहीं दी गई. दोबारा देख लीजिएगा असल पॉपुलेशन कितनी थी, इजाफा कितना हुआ, इजाफा हमेशा प्लस में होगा, कमी कितनी हुई है. अब यहाँ पे मैंने सिर्फ इजाफा और कमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो बर्थ और मॉर्टेलिटी डेथ के लिहाज से था. अगर प्लांट हो, प्लांट पे ऐसा नहीं होता, अगर एनिमल्स हों तो उसमें ये दो फैक्टर और आ जाते हैं. आपने वो फैक्टर सुने होंगे
जो क्या होगा आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा, यस सर, डिपेंड करता है इमिग्रेशन, फर्टिलिटी एंड फेकंडिटी, नो फर्टिलिटी एंड फेकंडिटी, नो इसमें अगर एनिमल्स की बात हो प्लांट की बजाय, तो फिर यहाँ पे इसमें दो फैक्टर और ऐड करने पड़ेंगे, वो होंगे इमिग्रेशन एंड ई माइग्रेशन। जो एनिमल मूव करके यहाँ पे आ रहे हैं वो इमिग्रेशन है, जो यहाँ से जा रहे हैं वो ई माइग्रेशन। प्लांट के लिए इक्वेशन सिंपल रहेगी, ये मैंने प्लांट वाली इक्वेशन आपको समझाई है, मैंने जूलॉजी वाली एनिमल वाली इक्वेशन एक्सप्लेन नहीं की, सिर्फ बता दिया है कि इससे फर्क है, उसमें इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन भी इन्वॉल्व होती है। बहरहाल ये मैंने पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिहाज से जो बेसिक चीज़ थी वो दोनों डिस्कस कर दिए, मॉर्टेलिटी और उसके लिहाज से। ये हमारे दो पॉइंट मुकम्मल हो गए जी। अब हम अगले हेडिंग की तरफ आ रहे हैं। ये हेडिंग छोटा सा जी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये है जी एज स्ट्रक्चर, ये भी एनिमल में बहुत क्लियर होता है, प्लांट में क्लियर नहीं होता। एज स्ट्रक्चर, अगर आप सिर्फ एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो बहुत आसान है, अगर ज़्यादा हों तो मुश्किल हो जाता है। एज स्ट्रक्चर अगर हम एनिमल की मिसाल दें, बल्कि मैं आपकी मिसाल देता हूँ, आप अपने घर में चेक करें कितने अफराद हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है, कितने लोग हैं जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 60 ईयर तक है, और कितने लोग हैं जिनकी उम्र 60 ईयर से ज़्यादा है। जो 15 साल से कम है उनको हम बच्चे काउंट करेंगे, जिनको 15 साल से लेके 60 तक है उनको हम जवान काउंट करेंगे, जिनके ऊपर 60 से ज़्यादा है उनको हम बूढ़े काउंट करेंगे। मैंने एग्जांपल मैन इसलिए दी है कि ये बहुत आसान है। अगर आपके पास प्लांट्स हैं, अगर तो क्रॉप है, क्रॉप में तो सारे पौधे जैसे होते हैं, अगर एक आप जंगल में जाकर स्टडी करें वहाँ पर आपको हर तरह के कुछ छोटे बच्चे भी होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ बहुत बूढ़े भी हो चुके होंगे, लेकिन उसकी स्टडी खासी मुश्किल है। प्लांट्स में ये स्टडी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, ये एज स्ट्रक्चर का मैंने। अब एनिमल्स के लिहाज से एज स्ट्रक्चर और उसकी जो आगे एज पिरामिड्स बनाए जा सकते हैं वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। प्लांट्स में अगर इसको डिस्कस किया जाएगा तो ये कोई इतना वो फिजिबल नहीं है, दोबारा याद रखिएगा जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है कि अगर हम ये स्टडी एनिमल्स में कर रहे हों तो बहुत ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें सिर्फ जस्ट ये अंदाज़ा लगाना हो, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बना देता हूँ, जी पिरामिड, एज को हम पिरामिड की शक्ल में शो कर सकते हैं। पिरामिड की शेप कैसी होती है उससे पहले से वाकिफ हूँ मैं। ये एनिमल के लिहाज से होगा, जो आप याद रखिए जो डायग्राम मैं ड्रा करने लगा हूँ, फिर सुन लीजिए, जो डायग्राम मैं ड्रा करने लगा हूँ ये डायग्राम एक खास अहमियत की हमल होगी, और ये प्लांट्स के ऊपर तो बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं होगी, एनिमल्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हो सकती है। मैं रफ स्केच डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ जी, आपने डायग्राम को बहुत से मैंने जो तीन लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे वो आपको नजर आ जाएंगे। ये बच्चे चिल्ड्रन के लिए, ये यंग के लिए, और ये ओल्ड के लिए मैंने 15 साल मैंने इंसानों के लिहाज से जो बात की थी। ये एक मुल्क है इसमें बच्चे ज़्यादा हैं, जवान से कम है, बूढ़े सबसे कम है। मैं एक और ड्रा कर रहा हूँ पिरामिड, अब जरा इसको गौर से देखना है इसमें क्या है। जी इन दोनों को कंपेयर करें, तरतीब वही रहेगी, ये चिल्ड्रन है, ये यंग है, और ये ओल्ड। और एक ऐसे पिरामिड पे भी गौर करें, याद रखिए जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे एबनॉर्मेलिटीज हैं, ये नॉर्मल है और बाकी चीज़ें एबनॉर्मल में जा रही हैं जी। अब इंसानों के लिहाज से ये तीन मुख्तलिफ मौलिक मैंने शो किए हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या आप गेस कर सकते हैं ये कौन सा कंट्री हो सकता है, किस तरह का ये, किस तरह का ये, किस तरह। इसको मैं तरतीब इनकी को ठीक नहीं है, मैं इसको 1 कहने लगा हूँ, इसको 2 कह रहा हूँ, इसको 3 कह रहा हूँ। ये एज पिरामिड है और ये मैन की एग्जांपल दी है मैंने, याद रखिएगा।
मैं पहले बता दिया था कि कुछ चीजें प्लांट के ऊपर इतनी एप्लीकेबल नहीं है एनिमल्स के लिहाज से. जस्ट गेस करें यहाँ पे क्या सूरत हाल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, क्या फर्क है, क्या रीजन है इसमें, क्या गड़बड़ हो गई. सर ये जो नंबर टू है इसमें चिल्ड्रन की तादाद कम है, ठीक है, यंग और यंग भी हैं और ओल्ड भी हैं. अगर फर्स्ट से कंपेयर करें तो यंग की तादाद इधर जितनी फर्स्ट में उतनी है और ओल्ड में ज्यादा है, और चिल्ड्रन की तादाद यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट सेकंड में. तो और थर्ड में देखा जाए तो जी आपने इसको सिर्फ डिस्क्राइब किया है, आपने सिर्फ इसको डिस्क्राइब किया. चलिए ठीक है, थर्ड में आ जाए, यहाँ पे क्या है सर सेकंड में जो है ना. एक सिर्फ एक सवाल जवाब देने का, सवाल का जवाब देने का. जी थर्ड में सर, अगर थर्ड में देखा जाए, थर्ड में देखा जाए तो चिल्ड्रन की तादाद कम है, इसके बाद ओल्ड की तादाद भी कम है और यंग की तादाद यहाँ पे ज्यादा है. जी ताहर आप क्या कहना चाहते हैं? सर अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया जाए तो सर फर्स्ट में चिल्ड्रन में डेथ रेशियो ना होने के बराबर है, लेकिन सेकंड में डेथ रेशियो उनमें इंक्रीज होगी सर. जी और कोई जवाब दीजिए, इनके अलावा और कोई जवाब देना चाहता हूं. जी ताहर का जवाब तो बिल्कुल गलत है, और जो जवाब दिया है सवार है उसने सिर्फ इनको डिस्क्राइब किया कि जो नजर आ रहा है. सर जो नंबर वन वाला, जी नंबर वन वाले पिरामिड में सबसे ज्यादा बर्थ रेट है, मतलब कि उसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है, ठीक है. और ये जो सेकंड वाला है इसमें थोड़ी सी कम है फर्स्ट वाले की निस्बत, मतलब कि थोड़ी सी स्टेशनरी है, ठीक है. और थर्ड वन, और जो थर्ड वन है उसमें जो बहुत ज्यादा कम हो गई है उससे भी कम, मतलब कि बर्थ रेट है. जी. मतलब उसमें यंग रेट ज्यादा है और बाकी दोनों कम हो रहे हैं. बाकी सबसे नहीं, ये आखिरी जवाब किसने दिया है? आपने क्या कहा दोबारा बोलिए. सर मैंने बोला है कि थर्ड में यंग की जनरेशन जो है वो बढ़ी है, बाकी दोनों कम हो रही है. चलो जी आज फिर मुझे पंजाबी का मुहावरा बोलना पड़ेगा कि एक बार फिर अंदरीप ने बहजा क्लास छेड़ी है. अंदरीप के सारे अंदाजे तकरीबन ठीक है, तो जो कुछ भी कहा है उसने इन चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं किया बल्कि एक्सप्लेन भी किया है. सर मैं इसको थोड़े से एंगल चेंज करके बताने लगा हूँ. ये अफ्रीका का एक मुल्क है, ये अफ्रीका का मुल्क है जहाँ बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्ड्स हो रही हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, बच्चों की दर ज़्यादा है, जवान से कम है, बूढ़े सबसे कम है. ये अफ्रीका के तमाम गरीब मुल्कों में ऐसे होता है, गरीब मुल्कों में बिल्कुल ऐसे होता है, बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, जवान उससे कम होते हैं, बूढ़े सबसे कम है. ये एक बेहतर मुल्क है, ज़्यादा बेहतर मुल्क है, यानी गरीब नहीं है, अमीर मुल्क कह लीजिए. यहाँ पे बच्चे कम हो गए हैं, ये बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, कम हो गए नहीं बल्कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, इसलिए ऐसे बच्चे कम हैं, जवान ज़्यादा हैं बच्चों के काले में, बूढ़े कम हैं. ये एक अमीर मुल्क है, ये एक ज़रूर ज़्यादा अमीर मुल्क हो गया. जो ज़्यादा अमीर मुल्क होते हैं वहाँ पे बच्चों की, यह हैरान कन खबर होगी आपके लिए, बच्चों का बर्थ रेट बहुत कम होता है, यही वजह यहाँ बच्चे बहुत ही कम हैं. जब बच्चे कम हो जाएँ तो ऐसे मुल्कों को फिर कुछ और करना पड़ता है. मैं इसके दो तीन साल दूँगा, जर्मनी अभी वहाँ पर यही सूरत हाल है, अमेरिका और कैनेडा में आपसे 30-40 साल पहले सूरत हाल थी, वहाँ पर लोगों ने बच्चे पैदा करने कम कर दिए. फिर जब बच्चे पैदा करने लोग कम हो जाएँ, बच्चों की तादाद कम हो जाए, तो उससे भी कुछ प्रॉब्लम पैदा होती हैं. अब टाइम नहीं है, जो जूम बंद हो जाएगा किसी वक्त पर. ये डिस्टेबलाइज है, ये दोनों डिस्टेबलाइज हैं. क्यों? इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और फैसिलिटी उतनी होती है. जैसे हमने कहा था गरीब मुल्कों में ऐसे होता है, जहाँ बच्चे ज़्यादा हों, जवान और बूढ़े कम हों. एनिमल्स की बात हो रही है मैन की.